आज जो ये प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। आज हम लोग टीम दवा दोस्त की तरफ से एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे हम लोग सोसाइटी को अवेयर करवा रहे हैं, क्योंकि ये एक टबू टॉपिक है जिसपे कोई बात करना नहीं चाहता। मतलब जिन लोगों भी जो बच्चियाँ अभी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के लिए प्रिपेयर हो रही हैं, उन्हें बहुत सारा चीज़ पता नहीं होता, उन्हें हाइजीन का पता नहीं होता, वो किसी से बात करने में डरती है, उसी के लिए हम लोग अवेयर करने के लिए ये केंद्रीय विद्यालय में एक प्रोग्राम रखा गया था, जहाँ हम लोग जितने भी बच्चे थे उन्हें मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अवेयर करके लोगों को सारा चीज़ बताया, बस सैनिटरी पैड्स वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया दवा दोस्त की तरफ। आपको ऐसा नहीं लगता है कि शहर से ज़्यादा इन चीज़ों की गाँव में ज़्यादा ज़रूरत है? रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा तबू है, क्योंकि वहाँ बोलना तो मतलब बहुत दूर की बात है। वहाँ देख मतलब जिनका साइकिल स्टार्ट होता है, पीरियड स्टार्ट होता है, वहाँ मतलब वो उन्हें छूना भी पसंद नहीं करते, तो वो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। हम लोग धीरे धीरे रूरल एरिया की तरफ से कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोगों का कैंप रूरल एरिया में ही होगा, जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए अवेयर भी किया जाएगा, पैड्स बांटा जाएगा और उन्हें सारा चीज़ के लिए अवेयर कराया जाएगा कि कैसे इसको डिस्पोज करना है, कैसे साइकिल को मैनेज करना है, कितना टाइम का पीरियड्स होता है और कितना इस बीच में क्या क्या डिफ्रेंशिएशन आता है, बॉडी में क्या चेंजेस आता है उसको अडॉप्ट। बच्चों और पूरे दवा दोस्त परिवार ने भाग लिया इस प्रोग्राम के दौरान। केंद्रीय विद्यालय के सभी टीचर्स और बच्चे मौजूद थे। बेसिकली 9, 10 और 11 की बच्चियों ने इस प्रोग्राम को अटेंड किया। इस प्रोग्राम के द्वारा हमने बच्चियों में होने वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल और उस दौरान मेंटेन किए जाने वाले मेंस्ट्रुअल हाइजीन की अच्छे से जानकारी दी, जिससे बच्चे काफ़ी उत्साहित हुए और उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। उनमें नॉलेज बढ़ाने के लिए तथा अवेयरनेस के इस कारण जो ये छोड़ा हुआ होता है जिसमें कोई बात नहीं कर सकता, इस बात नहीं करता है जनरली, इस पर हमने बात की और काफ़ी जानकारी बच्चों को दी। ऐसे ही डेली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।